अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरएम सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल। अहम खबरों का खुलासा सियालकोट सिटी से मोहम्मद कासम सीनियर क्राइम रिपोर्टर अमीन मुगल डिप्टी डायरेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक एमनाबाद रोड सब्ज़ी मंडी के हवाले से अदरक, टमाटर, दीगर मसाला जात और सब्ज़ियों सलाद की कीमतों में आग से भी बढ़कर इजाफा। सरकारी नरखनामा हुकूमत पंजाब की रेट लिस्ट में कम कीमत और ख़रीदारी में ज़मीन आसमान का फ़र्क। हर चीज़ को ख़रीदने से अवाम बेबस, गरीब अवाम को मुश्किलात का सामना। किस वजह से 12 रबीउल अव्वल के त्यौहार के दिन ये सब कीमतें ऊपर हो गई हैं, मज़ीद देखिए मोहम्मद कासम सीनियर क्राइम रिपोर्टर की इस रिपोर्ट में। तो माशाल्लाह अभी 12 रबीउल अव्वल का मुबारक दिन आ रहा है संडे को, तो अभी इधर मंडी में फुल तरह से आग लगी हुई है। पहले सब्ज़ियाँ महंगी थी, अब त्यौहार का दिन आ गया है तो मसाला जात की अशिया महंगी होगी क्योंकि सब्ज़ी की खरीदारी कम होती है। उस वजह से अभी ताजर लोगों ने सब्ज़ियाँ सस्ती कर दी हैं और मसाला जात की ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली अशिया बिल्कुल बहुत ही हाई रेट पर जा रही हैं, डबल रेट से भी ऊपर बढ़ के जा रही हैं। तो माशाल्लाह ये हमारा मुसलमान होने का काफ़ी हक अदा कर रहे हैं ताजर लोग, इनको तो चाहिए कि इन खास दिनों में ये अशिया मंडी की सस्ती करें, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा महंगी कर रही हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे मामलात नहीं होने चाहिए। हम मुसलमान लोग हैं तो गैर जो ममालिक के लोग हैं वो त्यौहार का दिन आता है तो हमारा काफ़ी यानी कि रिस्पॉन्सिबल भी करते हैं ऐसी गल है जरा मेरे को। तो ये भाई से बात करें, ये भी मंडी में माशाल्लाह वर्क करें। जी ये सौदा महंगा होंगे ना, जो सस्ता होंगे वो तो साढ़े पंजाब दी सब्जियां होंगे वो तो सस्तियाँ होंगे, जो महंगी होंगी वो तो स्वाद कलाम कि किराया लगता गड्डी का। इस वजह तो आने के फिर वो मजदूर वास्ते महंगी हो जाती है। ये लोग करते हैं नहीं। किराया जात की वजह से।